बीजेपी वालों, हमारी चेतावनी कान खोल के सुन लो। ये किसान के जो लाठी मारी है ना, एक एक लाठी के बदले 100-100 लाठी का हिसाब लेगी एक प्रदेश की जनता, देश की जनता। स्टेट की गवर्नमेंट भी झूठ बोलती है और देश की सरकार भी झूठ बोलती है। एमएसपी के नाम पर ये धोखा कर रहे हैं। ये किसान एमएसपी का गारंटी का कानून की मोहर लगवा के ही घर जाएगा, वरना घर जाने वाला नहीं है। आप हाथ उठाइए, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं मुकुंद रवि, मौजूद है हरियाणा कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी में, जहां पर बड़ी संख्या में एक बार फिर किसान जुटे हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग है जो एमएसपी गारंटी कानून को लागू किया जाए, किसानों को जो सरकार एमएसपी घोषित करती है वो एमएसपी मिले, सिर्फ घोषणा बनकर ना रहे, वास्तव में मैदान में भी उतरे। जो कि हमने पिछले कई समय देखा, अनाज मंडियों में किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, सरकारें भले घोषणा कर दें। इसी आंदोलन को लेकर पिछले कई से लंबे समय से हरियाणा में आंदोलन चल रहा था। सूरजमुखी के किसान सूरजमुखी बीज को लेकर एमएसपी की घोषित एमएसपी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी एमएसपी नहीं दी। सरकार भावांतर की बात कर रही है जो नुकसानों की भरपाई कर देगी, लेकिन किसानों का कहना है वो भावांतर किसानों की भरपाई का नहीं, एमएसपी खात्मे का एक नियम है। और उसके भावांतर देने के बावजूद भी किसानों को हजारों रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई के लिए इसकी भरपाई ना की जाए बल्कि किसानों को एमएसपी दी जाए। उसी दौरान 6 जून को आंदोलन कर रहे किसानों पर, जिस तरह से हरियाणा की सत्ता सरकार ने बराबर लाठी चार्ज किया और कई किसान गुरु नाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेताओं को जेल में बंद कर दिया है, तो उसकी जेल से रिहाई और मुकदमे वापसी के साथ साथ एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, इसके लिए देश भर के किसान एक बार नेता फिर जुटे हैं। जैसे कि एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा का स्वरूप पहले था दिल्ली के बॉर्डर पर, उसी तरह का स्वरूप दोबारा बना है। जो एसकेएम में एक समय बिखराव दिखता था, कुछ संगठन अलग हुए थे, वो सारे संगठन फिर एक साथ आए हैं। इसमें पंजाब राजेवाल से लेकर दर्शन पाल की यूनियन से लेकर यूपी के राकेश टिकर से लेकर हरियाणा के जो बाकी तमाम यूनियन थे, लगभग 500 से अधिक किसान संगठन जो स्कीम का हिस्सा थे, सभी एक बार फिर वापस इस मैदान में जुटे हैं। और उन्होंने साफ कहा है, एक किसान पर लाठी बजेगी वो पूरे देश के किसानों लाठी मानी जाएगी और उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन होगा। और आज इसी की चेतावनी देने के लिए जुट रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से आंदोलन में ना आए, इसलिए हरियाणा के नेताओं को जिस तरह नोटिस दिए गए, उस नोटिस को धता बताते हुए किसानों के इतना बड़ी पहुंचना, ये बताता है किसान आज भी एकजुट हैं और अपने आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ आए किसान, आम किसानों से और किसान नेताओं से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है, और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो आगे का रास्ता उनका क्या होगा। एमएसपी के लिए जो जंग का आगाज है पूरे देश की, एमएसपी के लिए पूरे देश के किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए आज यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले हम सूरजमुखी पे एमएसपी लेंगे, फिर ज्वार, बाजरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी किसानों को हम एमएसपी दिलवाने का काम करेंगे। और जिसमें एसकेएम अपने साथ साथियों के साथ इस जो नई लड़ाई का है आंदोलन, किसान आंदोलन पॉइंट 2 शुरू हो चुका है। जो वो घोषित कर रहे हैं वो भी नहीं दे रहे। 6760 रुपये सनफ्लावर का रेट है और वो 4,4500 प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं सनफ्लावर। और आपने ये देखा होगा कुरुक्षेत्र की मंडी में, देखो चारों तरफ पीला रंग दिख रहा है। ये मेज जो है यानी मकई, ये मकई का 2008 रुपये प्रति क्विंटल रेट है, ये बिक रही है 1,012 रुपये। तो जैसे हमारा ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, वहाँ भी मुद्दे की एकता थी, तीन कानून रद्द करवाना मुद्दा था, तो सब इकट्ठे थे। आज फिर ये मुद्दे की एकता कुरुक्षेत्र में प्रकट हो रही है, इस लड़ाई की शुरुआत है ये निश्चित तौर पर। जितने भी किसान यहाँ पे आए हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और मैं ये दर्द अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आप लोगों के बीच में आके जो ये अपने हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है एमएसपी को लेकर, हम अपनी फसलों का एक जो न्यूनतम मूल्य है वो ले रहे हैं, ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैं यहाँ से सरकार से भी अपील करता हूँ कि जो हमारी फसलों का न्यूनतम मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। और जितने भी एक घटना हुई थी पीछे यूपी में, जो अजय मिश्रा हैं जी, जो उनके मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। जैसे हम ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे ही पहले हमारे किसान भाई सभी टैनी के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी तक कोई भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है, दोनों लोगों के खिलाफ। तो यही चीज है कि भाई हम इकट्ठा हो गए, जो एक ताकत हम एक साथ मिलके जो एक ताकत दिखा सकते हैं वो हम अलग अलग होके नहीं दिखा सकते।
हमें बोलने का इतना नहीं पता क्योंकि आज तक हमने ट्रेनिंग करी थी, सिर्फ देश के लिए मेडल जीते थे। लेकिन यहाँ के जब आप लोग रोडों पे दिखते हैं, रोड पे खड़े दिखते हैं, तो दुख होता है मन में, क्योंकि हम भी उसी परिवार से आते हैं, आप लोगों के परिवार से ही आते हैं हम। ये हालत हमें भी नहीं देखी जाती, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मैं अपना समर्थन भी आप लोगों को दे सकूँ। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब आप लोगों के साथ हैं। ये संदेश ही है कि लोगों की मांग ही है कि उनकी फसल का उनको पूरा दाम मिलना चाहिए, जो किसान आंदोलन की मांग थी, जिसको पूरा करने का वायदा जो है मोदी सरकार ने किया था, लेकिन उसके साथ विश्वासघात किया। MSP देने की बजाय इस भावांतर योजना के माध्यम से आज MSP के ऊपर ही बहुत बड़ा हमला हो रहा है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले बाजरे में हम देख चुके हैं। 2 साल पहले सरकार ने कहा कि जो बाजरा इससे नीचे बिक रहा भावांतर देंगे, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है। पिछले अभी इस साल सरसों के साथ यही हुआ, अब जो सूरजमुखी के साथ यही होने लग रहा है। कुल मिला के ये पूरी जो योजना है BJP सरकार की, वो 3 कृषि कानूनों में जो कामयाबी उनको नहीं मिली, अब वो चोर दरवाजे से कह लो या इसके भावांतर के नाम पे जो है इस MSP को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके विरोध में लोग एकजुट हुए हैं ये संदेश देने के लिए कि MSP हमारा अधिकार है, और अगर MSP नहीं मिलेगा खेती किसानी नहीं बच सकती। इस बात के लिए आज यहाँ पे संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, जिस तरह की घटनाएं यहां पे हुई है MSP की खरीद पे, किसानों ने अपनी आवाज उठाई और उनको लाठियां मिली। ये पूरे देश में इसकी घटना की निंदा हुई। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे मीटिंगें हुई और ये तय किया कि 12 तारीख में यहाँ पे इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय यहां से लिया जाएगा वो पूरे देश भर में लागू होगा। यहाँ की मीटिंग पे पूरे देश की नजरें हैं। ये MSP के सवाल पे, क्योंकि सवाल अकेला एक फसल का नहीं है, ये सवाल पूरे देश की MSP की फसलों का है। सरकार एक रेट घोषित करती है लेकिन खरीद नहीं होती। MSP गारंटी कानून देश के किसानों को चाहिए। यह आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और यहां पे भी जो लोकल कमेटी जिसपे निर्णय थोपा गया है वो जो भी निर्णय लेगी सब SKM के लोग उसके साथ में रहेंगे। देखिए, किसान कुछ नहीं मांग रहा था, कोई सोने के महल नहीं मांग रहा था। जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, सरकार वही, किसान वही मांग रहा था। लेकिन समर्थन मूल्य देने की बजाय सरकार ने लाठियां दी और उन लाठियों का हम बदला लेंगे। देखिए, ये हमारा भाई किसान भाई है, ये कैसे इनके निशान है। ये लाठियों का बदला जब ये गांव में जाएंगे ना, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। ये देखिए कितनी बुरी तरह से लाठियों से पिटा है। BJP वालों, हमारी चेतावनी है, कान खोल के सुन लो। ये किसान के जो लाठी मारी है ना, एक एक लाठी के बदले 100-100 लाठी का हिसाब लेगी एक प्रदेश की जनता, देश की जनता। और ये बड़ी खुशी की बात है, आज हमारा बड़ा भाई पंजाब, संयुक्त पंजाब, चाहे उत्तराखंड है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, UP है, राजस्थान है, संयुक्त पंजाब के लोग, जो महापंजाब हुआ कर रहा है, उसके सभी लोग एक बैनर के नीचे आ गए हैं। और गुरनाम सिंह चडूनी का जन्मदिन भी है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। आज ही जो MSP की मोहर है, ये किसान MSP का गारंटी का कानून की मोहर लगवा के ही घर जाएगा, वरना घर जाने वाला नहीं है। जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ है, वो सरेआम सड़कों पर हमारी पगड़ी को उछाला गया है, हमारे किसान भाइयों को घसीटा गया है, लाठी मारी गई है, ये पहली बार हुआ है, और इसका बदला हम 100% लेंगे। हो सकता है तो हम बदला आज ही लेंगे, MSP का गारंटी या कानून बनवाएंगे, और एक एक लाठी का हिसाब आने वाले चुनाव में लेंगे। जब 70% वोट हमारी है किसान और मजदूर की, हमारा दुर्भाग्य रहा आज तक जब से देश आजाद हुआ है हमारी भागीदारी किसान और मजदूर की नहीं रही, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में। अब यह भी मन बना लिया है इस कमेरे वर्ग के लोगों ने
जब 70% वोट हमारी है तो राजनीति में भागीदारी भी हमारी होगी, राजनीति भी की कलम वो पावर अपने हाथ में लेंगे आने वाले चुनाव में। कुछ प्रेस के मीडिया के लोग भी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि किसानों को, किसान लीडरों को बदनाम करने में उसमें लगे हुए हैं। आप भी उन चीजों से बचने का काम करें। हमको पता है कि कैमरा और कर्म पे बंदूक का पहरा है, हम सब जानते हैं। आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन आपने किसान आंदोलन को 13 महीने दिखाया। जो घटनाएं देश में होती हैं आप उसको प्रमुखता से दिखाते हो। ये किसान दुखी है, ये देश का मजदूर दुखी है, ये छोटा दुकानदार दुखी है पूरा। ये मुक्ति अभियान चलेगा देश में, जो भी बंधनों में होगा वो मुक्ति अभियान चलेगा। आज भी हमारे बहुत से नेता जो किसान संगठन से हैं वे जेलों में बंद हैं। गुरनाम चढ़ोनी की क्या गलती थी कि उसने एमएसपी के सवाल पे आंदोलन खड़ा किया, उस पे लाठियां चला के किसानों को जेलों में बंद किया, बहुत से लोगों को घायल किया। क्या पुलिस का यही काम है कि लोगों पर लाठियां चलाओगे? आप 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप उठा के जेलों में बंद करोगे? हमारी डिमांड है सबसे पहले जो हमारे जितने भी लीडर हैं जो किसान हैं उनको रिहा करें। दूसरा है एमएसपी पे खरीद की सुनिश्चित गारंटी करें। ये देश में आंदोलन चलेगा, आप इस आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहां पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी, तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको यहां पे दिखाई दिया है कुरुक्षेत्र के मीटिंग में। हम सब जगह जाएंगे, पूरा देश का किसान एक है। यहां पे हम देख रहे हैं कि कई स्टेट के लोग यहां पे दिखाई दे रहे हैं कि सब लोग यहां पे मौजूद हैं। यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, जो भी लोकल कमेटी फैसला लेगी एसकेएम उस कमेटी के साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एसकेएम। देखिए, इस पंचायत का एक मायना है कि देश में एमएसपी का सवाल एक बड़ा सवाल बनने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली बॉर्डर से जब वापस आया था आंदोलन को जीतकर, तो उसमें ये एमएसपी एक ऐसा सवाल था जिसके ऊपर अगले पड़ाव के लिए, सेकंड राउंड के लिए, सेकंड फेज के लिए आंदोलन बनाने का वादा करके हम लोग आए थे। तो उसके लिए लगातार अंगड़ाई बढ़ी जा रही है। मोर्चा ने हरियाणा में 26 नवंबर को जींद में एक बहुत बड़ा पंचायत किया था, अभी रामलीला ग्राउंड में 20 मार्च को एक बड़ी महापंचायत हुई है। तो ये सभी कुछ एमएसपी और कर्जा मुक्ति और कुछ और सवालों के लिए और लखीमपुर खीरी का इंसाफ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी हरियाणा में जो सामने आया कि आप एमएसपी दे नहीं रहे, दूसरी तरफ वादा कर रहे हैं कि किसानों की आमदन दुगनी कर दिया हमने, मोदी रजीम में बहुत परसेंटेज बढ़ गया, जो लाइफ जीने का जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, जो जब से मोदी सत्ता में आए हैं 100% अगर इंक्रीज हुआ तो एमएसपी सिर्फ 60% इंक्रीज हुआ। एमएसपी कम है, सूरजमुखी का एमएसपी दे नहीं रहे थे, भाव अंतर में भी 1,000 रुपया देकर छूटना चाहते थे। तो एमएसपी है, रहेगी, ये सिर्फ जुमला है। और इसलिए किसानों को ये जुमला अब समझ में आने लग गया है। दिल्ली मोर्चे ने जो अलख जगाया था, जो दिया जलाया था, अब वो बड़ा रोशनी बनने जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि उसके सवाल के ऊपर जब ये रिप्रेशन किया है तो सभी धाराएं एकदम से, लग रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई कहीं है कोई कहीं है, जब रिप्रेशन हुआ तो सभी पीछे आ गए हैं। हम पंजाब से बहुत बड़ी गिनती में आ जाए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला कर लिया कि जाएंगे, भले ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसी सवाल पे अलग हो, लेकिन अगर ये एमएसपी के सवाल पे किसानों को लाठी और गोली देंगे और जेल देंगे तो सारे किसान संगठन पीठ पे आएंगे। आज हम ये कहने आए हैं बीजेपी से कि हम एमएसपी का कानून लेकर रहेंगे और खरीद की गारंटी का कानून जिसमें एमएसपी बिल्कुल शामिल हो, ये इसके लिए हम लोग बिल्कुल डटे हुए हैं।
और ये लेकर रहेंगे। एक बड़ा आंदोलन अंगड़ाई ले रहा है, बीजेपी को समझ लेना चाहिए। इस देश में किसानों को दुश्मन बनाकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना करी थी तो उसको उनको पता था कि संविधान को चलाने वालों के ऊपर संविधान की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। उनको क्योंकि पता था कि किसी दिन ये जो आरएसएस की जो गवर्नमेंट है ना, ये किसी दिन गवर्नमेंट में पावर में जरूर आएगी और वो ऐसे ही डिसेंट को दबाएगी, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। उन फंडामेंटल राइट्स को ना आए दिन जिस हिसाब से सड़कों पर कुचला जा रहा है ना, आप सबके सामने है, आप हम लोगों से ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि हम एक जगह पे हैं। आप लोग हर जगह देख रहे हैं कि इसी तरीके से डिसेंट को दबाया जा रहा है। तो जो बर्बरता से 6 तारीख को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसकी हमें सबको क्योंकि हर किसी का नंबर आएगा। कल पहलवानों का था, उससे पहले CAA के प्रोटेस्ट हुए, उससे उसके बाद में फार्मर प्रोटेस्ट हुए, अब दोबारा से किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, तो हर किसी का नंबर आएगा। इसकी निंदा करने के लिए किसान होने की जरूरत नहीं है, इसकी निंदा करने के लिए भारत का सिटीजन होने की जरूरत है। आप गोली चलाओगे, इसी कुरुक्षेत्र से कौरव जो अहंकारी था उनका नाश हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती से इस भारतीय जनता पार्टी अहंकारी सरकार का भी नाश इसी कुरुक्षेत्र की धरती से होगा। और हम चाहते हैं अगर खट्टर साहब डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर इस दमन कर इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं तो ये भूल जाएं। अगर मोदी एक तकमा अपने नाम पर यह भी लगवाना चाहते हैं कि मेरे होते हुए एक दूसरा जलियांवाला बाग हुआ, तो वो भी हम तैयार हैं। लाशें बिछ सकती हैं लेकिन समझौते नहीं हो सकते। हम MSP की मांग, किसानों का संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर रहेंगे।